हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप लोग का सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर रिक्रूटमेंट आया हुआ है जो कि सब असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी है। तो स्टेट हेल्थ के अंदर आप लोग का ये दोनों वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी का PDF हम नीचे दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग इन डिटेल्स का देख सकते हैं। हम सब असिस्टेंट इंजीनियर का जो वीडियो है उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। एज इट इज़ असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर भी सेम दिया गया है, तो आप लोग जाके दोनों ही लिंक को क्लिक करके और इसका नोटिफिकेशन का जो PDF है उसको भी हम दे देंगे। आप लोग चाहे तो वहाँ से भी इन डिटेल्स नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आज का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि आप लोग का आया हुआ है वेस्ट बंगाल स्टेट हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से। तो ये सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर रिक्रूटमेंट आया हुआ है, तो इसका हम लोग इन डिटेल्स देखेंगे। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया आप लोगों का खोजा गया है, तो डिटेल्स वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है वेस्ट बंगाल स्टेट हेल्थ की तरफ से, तो वो टोटली ऑनलाइन मोड पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप लोगों का है 100 रुपीज़, और आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा है पहले, जो जो आप लोग काम करते हैं या जो जो एम्प्लॉयर रहे हुए हैं नेशनल हेल्थ मिशन से अंदर से, तो वो लोगों के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा एज रिलैक्सेशन के लिए। उसके साथ साथ आप लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 1, जो कि है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वेस्ट बंगाल का कोई भी एक जगह के अंदर। इसके बाद आप लोगों का सैलरी होने वाला है 32,000। आप लोगों का एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट रखा गया है 21 to 40 years के अंदर। इसके बाद एडुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बिहाफ में आप लोगों का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप लोगों का MS ऑफिस के अंदर अच्छा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का जो प्रोसीड्योर है रिक्रूटमेंट का वो होगा, पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। तो ये 4 प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद आप लोगों का टोटल स्कोर हो जाएगा 100 का, और इसमें से आप लोगों का जो मार्क्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जो कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी के अंदर आप लोगों का 5 मार्क्स रहेगा और डिप्लोमा के अंदर आप लोगों का 5 मार्क्स रहेगा। टोटल यहाँ से आप लोगों का 10 मार्क्स हो गया, और MCQ जो रिटन टेस्ट होगा वहाँ से आप लोगों का 60 मार्क्स हो जाएगा। तो 60 + 10 आप लोगों का 70 हो गया। उसके साथ साथ आप लोगों का कंप्यूटर टेस्ट होगा 5 मार्क्स का, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों का 10 मार्क्स दिया जाएगा, और इंटरव्यू के बेसिस में आप लोगों का 15 मार्क्स दिया जाएगा। तो आउट ऑफ 100 आप लोगों का टोटल सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को www.wbhealth.gov.in ओपन करने के बाद 1 लाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको फिलअप करना पड़ेगा, और वहाँ से ही आप लोगों का अप्लाई फॉर्म जो होगा वहाँ से उसको आप लोगों को अप्लाई कर देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका डेट कौन सा है, स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट क्या है। तो आप लोगों का जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट रखा गया है, स्टार्टिंग डेट आप लोगों का 9 अक्टूबर 11 AM से ये स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है 26 अक्टूबर 2021, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी जमा देने का 28 अक्टूबर रखा है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म है 21 अक्टूबर 2021। तो यही था आज कुछ अपडेट, तो आशा करते हैं ये अपडेट आप लोगों का हेल्प देगा कुछ। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। थैंक यू।